सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संदीप गौड़ आप सभी का अपने इस न्यू वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं हर मंथ कुछ ना कुछ स्पेशल अपडेट देता रहता हूं। सो इस मंथ की जो स्पेशल अपडेट है वो आपने थंबनेल और टाइटल दोनों में देख लिया होगा। आज का जो वीडियो है वो है बनाड स्टेशन को लेकर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बनाड स्टेशन पे डबलिंग का वर्क अभी स्टार्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अभी आर्मी का जो सिलसिला है वो अभी चल रहा है, जिस कारण यहाँ पे अभी डबलिंग वर्क नहीं हुआ है। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ पे डबलिंग वर्क हुआ है या नहीं हुआ है। और सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा, क्योंकि जो मेरे वीडियोज़ आ रहे हैं वो थोड़ा लेट हो रहे हैं। बिकॉज एक तो स्कूल एंड कॉलेजेस खुलने के कारण मैं थोड़ा बिजी था, और अभी थोड़े दिनों से क्या तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं आप सभी के लिए इतनी जल्दी वो वीडियो नहीं ला पाया। और दूसरा, मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे डेली व्यूवर्स हैं एंड जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं उन पर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं, जिनके उनके कारण मेरे को और ज़्यादा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स को, एंड जो इस वीडियो को देख रहा है और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो मैं उससे भी कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर मंथ ऐसे स्पेशल अपडेट्स मेरे चैनल पे आप सभी को मिलती रहेगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के आप सभी का समय ना लेते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि आपने ये छोटी सी जर्नी देखी जोधपुर कैंट से लेकर बनाड़ के बीच में, आपने देख लिया होगा कि बनाड़ से पहले जो भी डबलिंग का काम है, जो लैंड फर्टाइल का काम है, जो ग्राउंड का जो भी काम है वो पूरा हो चुका है। बस अब यहाँ पर ट्रैक बिछाने की देरी है। बट आपने जैसा कि देखा, बनाड़ स्टेशन से पहले एक होम सिग्नल था जिसके आगे कुछ डबलिंग काम नहीं हो रखा। इसका मतलब आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अभी बनाड़ पर जो डबलिंग वर्क है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और दूसरा रीज़न, ये जैसे जौजरी नदी है, यहाँ पे जो पुल बनाना चाहिए वो अभी भी यहाँ पे पुल बना नहीं है। तो मतलब आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो डबलिंग वर्क है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और पता नहीं जो आर्मी का सिलसिला है वो कब तक ख़त्म होगा और कब यहाँ पे डबलिंग का जो वर्क है वो स्टार्ट होगा। लेकिन 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 आपने एक चीज़ गौर करी या नहीं करी, मैं आपको बताता हूँ। तो वो चीज़ ये है कि जैसे आप ये पिक देख रहे हैं, लूप 9 नंबर 3 के पास में जो रेलवे है यहाँ पे एक पट्टी बना रही है, और उसके पास में जो ट्रैक्स है उनमें जो आर्मी के जो वेपन्स, ये जो ट्रेन है उसको खड़ा रख रहा है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो भी काम होगा, क्या पता
यहाँ पे एक इंडिविजुअल पट्टी बना दी जाएगी ताकि जो मेन लाइन है और जो आर्मी वाली जो लाइन्स है उसको एक वो बांटने का काम कर सके। तो आज की जानकारी बस यहीं तक की थी। आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप सभी के लिए इन फ्यूचर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँ। और हाँ, नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होने वाली है वो होने वाली जोधपुर मारवाड़ के इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर। उसके लिए मैं खुद बासनी एंड सालावास जाऊंगा और वहाँ से आपके लिए जो इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट है वो कलेक्ट करके मैं लाऊंगा। तो आप सभी से मैं विनती करना चाहूँगा कि जिन जिन को आने वाली अपडेट देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल का आइकन ऑल्सो। तो मिलता हूँ आप सभी से अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।